देवास के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक डिस्पोजल फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसके चलते चार श्रमिक अंदर ही फंसे रह गए, जिन्हें बाद में दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। देखिए ये रिपोर्ट। देवास में एक कंपनी में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र, थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जहां फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर फंसे चार श्रमिकों को बाहर निकाला गया। इनमें दो लोगों की उपचार करने के दौरान मौत हो गई, जबकि दो लोगों की हालत नॉर्मल बताई जा रही है। सर बताया, इंडस्ट्रियल एरिया में एक डिस्पोजल फैक्ट्री में आग लगी थी, क्या कुछ पूरा मामला है? अभी सुबह करीब 10:30-11 बजे हमें इस प्रकार इस सूचना प्राप्त हुई कि इंडस्ट्रियल एरिया वन में आराध्या लॉजिस्टिक्स करके एक कंपनी है, जो पेपर वगैरह का काम करते हैं, इसमें आग लगी हुई है। तत्काल हमारी पुलिस प्रशासन और नगर निगम की जो टीम है, जिसमें कि फायर ब्रिगेड रहते हैं, सब पहुँचे और आग पे नियंत्रण पाने की कोशिश की गई। और अभी 1.5 घंटे में आग को पूरा नियंत्रण पा लिया गया है, और जहाँ पर भी कुछ क्षति वती हुई थी उसको भी हमने, जहाँ भी आग फैल रही थी उसको कंट्रोल कर लिया है। इसमें करीब 4 लोग अंदर से निकाले गए, जिनको अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 2 की हालत थोड़ी सी गंभीर लग रही है, और 2 हैं वो चलती अवस्था। अब ये पूरी जाँच संबंधित एजेंसी करेगी, इसके बाद हम पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो इंडस्ट्रियल हेल्थ डिपार्टमेंट भी होता है, फायर डिपार्टमेंट भी होता है, तो अभी पहले तो अब प्रारंभिक स्तर पे सारी जो डैमेज उसको रोका जाए, उसके बाद जो भी इसमें तथ्य सामने निकालने होंगे वो हम उसका। वहीं हम आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र स्थित डिस्पोजल फैक्ट्री में अचानक आग लगने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए 6 फायर ब्रिगेड और 1 दर्जन दमकल कर्मी तथा पुलिस कर्मी के द्वारा आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देवास।